हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दितिमन। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं जिसमें 36 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 37 क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है, तो चलिए आज हम बात करते हैं राजस्थान के वनों के बारे में। तो 37 क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में कितने क्षेत्रफल में वनस्पति मिलती है। राजस्थान में कितने क्षेत्रफल में वनस्पति मिलती है, तो ये है आपका लगभग 34,610 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है जहाँ पर वनस्पति मिलती है, और राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उसका मात्र ये 10.12% ही है। कितना प्रतिशत है ये टोटल क्षेत्रफल का? 10.12%। और हमारे टोटल कितना क्षेत्र वनस्पति मिलती है, कितने क्षेत्र में मिलती है, तो 34.610 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सघन वन आवरण क्षेत्र कितना है। राजस्थान में जो सघन वन आवरण क्षेत्र है वो कितना है, तो हम जब इस प्रतिशत की बात करें तो ये बहुत कम है, 3.83% ही ये है, 3.83% ही ये आपका है जो आवरण क्षेत्र है। राजस्थान में सघन वन आवरण क्षेत्र कितना है, 3.83%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है ये आपका 0.03 हेक्टर है। कितना है, 0.03 हेक्टर है जो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है, तो भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है, तो वो मात्र 0.13 हेक्टर है। राजस्थान में कितना था, 0.03 हेक्टर मात्र है ना, तो वो इससे भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति कितनी प्रकार की पाई जाती है। राजस्थान में जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कितनी प्रकार की पाई जाती है, तो देखिए वो आपके है वन, घास और मरुस्थलीय वनस्पति। वन पाए जाते हैं यहाँ पे, घास भी पाई जाती है और मरुस्थलीय वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कितनी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति हो गई, 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। राजस्थान में जो वन है उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये आपके हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उपोष्ण पर्वतीय वन। इस प्रकार से ये 3 भागों में वर्गीकृत है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उपोष्ण पर्वतीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो वन है वो राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हैं पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश में ये पाए जाएंगे, जैसे कि जैसलमेर हो गए, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू जैसे जो क्षेत्र हैं, जो पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के शुष्क वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन से हैं। राजस्थान का जो शुष्क वनों वाला जो क्षेत्र है उसमें कौन से मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो हैं खेजड़ी, रोहिड़ा, बैर, कैर और थौर। ये सभी कैसे हैं, राजस्थान के शुष्क वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा, मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो वो है खेजड़ी। खिजड़ी को मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाली मुख्य झाड़ियां कौन सी हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाली जो मुख्य झाड़ियां हैं वो कौन सी हैं, तो वो है आपकी फॉग, आकड़ा, कैर, लाना, अरणा और झड़बेर। ये सब कैसी हैं, ये मरुस्थलीय झाड़ियां हैं, फॉग, आकड़ा, कैर, लाना, अरणा और झड़बेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली प्रसिद्ध घास कौन सी है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पाए जाने वाली प्रसिद्ध घास है वो कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए सेवण और धामण नाम की दो घास पाई जाती हैं। सेवण दुधारू पशुओं के लिए होते हैं, ये दूध बढ़ाने का काम करती है जो दूध देते हैं उन पशुओं का, और धामण जो घास है ये पशुओं के लिए पौष्टिक आहार के तौर पर यूज की जाती है। तो सेवण और धामण इस क्षेत्र की मुख्य घासें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो देखिए ये 50 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है वहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये वन उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो जब
बात करें तो ये मध्य दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, राजस्थान का जो मध्य राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, इन क्षेत्रों में सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को वृक्ष विविधता अनुसार कौन से उपप्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को वृक्ष विविधता अनुसार कौन से उपप्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए, ये है शुष्क सागवान वन है, सालर वन, बांस वाले वन, धौकड़ा का वन, पलाश के वन, खैर के वन, बबूल के वन और मिश्रित पर्णपाती वन। ये क्या है, ये वास्तविकता में जिस प्रकार के वृक्ष जिस जगह ज्यादा मिलते हैं उसी के आधार पर इनको वर्गीकृत कर दिया गया है। तो जहाँ शुष्क सागवान वन है वहां सागवान ज्यादा मिलते हैं, सागवान के पेड़ ज्यादा मिलते हैं। जहाँ सालर वन है वहां सालर के मिलते हैं, बांस के जहां मिलते हैं वहां तो बांस का वन कह दिया। देखिए, बांसवाड़ा का तो नाम ही बांस के ऊपर रखा हुआ है, आपने कभी ध्यान दिया होगा बांसवाड़ा, है ना? क्यों क्यों कहा जाता है बांसवाड़ा को बांसवाड़ा? क्योंकि वहां पर बांस बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसी तरह धोकड़ा के वन, या हमारी राजस्थान में इसको धोक भी कहा जाता है ना, पलाश के वन, खैर के वन, बबूल जहां ज्यादा होते हैं वहां बबूल के वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में शुष्क सागवान वन किन जिलों में पाए जाते हैं? राजस्थान में जो शुष्क सागवान वन है वो किन जिलों में पाए जाते हैं? तो देखिए, जयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ और बारां जो क्षेत्र हैं यहाँ पर सामान्य तौर पर शुष्क सागवान वन देखने को मिलते हैं। यहाँ जो सागवान है यहाँ पर ही काफी मात्रा में देखने को मिलता है, लेकिन कहाँ पर? यहाँ 240 से 450 मीटर, 240 से 450 मीटर ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर सामान्य तौर पर ये शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सागवान वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो यह हम जानते हैं, सागवान में, सागवान वनों में सागवान तो मुख्य पाया जाएगा, जो 50 से 75% तक पाया जाता है ना। और इसके साथ जो अन्य जो है वो कौन कौन से हैं वृक्ष पाए जाते हैं? तेंदू, धावड़ा, गुर्जन, गोंदल, सिरिस, हल्दू, खैर, सेमल, रीठा, बहेड़ा व इमली के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागवान वृक्ष द्वारा अधिक सर्दी व पाला सहन न करने के कारण राजस्थान में किन क्षेत्रों में विस्तार है? सागवान जो वृक्ष होता है आपका, इसमें ये नहीं तो अधिक सर्दी सहन कर पाता है, नहीं ये पाला सहन कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में हर जगह तो ये पनप ही नहीं सकता। तो राजस्थान में किन क्षेत्रों में विस्तार है इसका? इसका राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में है, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्रों में नहीं तो अधिक सर्दी पड़ती है, ना ही अधिक पाला देखने को मिलता है। ठीक है, इस वजह से राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र है वहां पर सागवान वृक्ष पाए जाते हैं ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सालर वन किन जिलों में पाए जाते हैं? राजस्थान में जो सालर वन है वो किन जिलों में पाए जाते हैं? तो ये देखिए, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर और सीकर, ये कैसे क्षेत्र हैं यहाँ पर सामान्य तौर पर सालर वन पाए जाते हैं। लेकिन सालर वन की विशेषता यह है कि वो 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं, 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सामान्य तो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सालर वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? राजस्थान में सालर वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? हम सालर वन के नाम से समझते हैं कि सालर तो पाए जाएंगे इसमें, उसके अलावा धौक, कठीरा और धावड़ भी इसमें पाए जाते हैं। सालर, धौक, कठीरा और धावड़ नाम के वृक्ष जो हैं ये सभी इसमें मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालर का पेड़ मुख्यतः किस उपयोग में लिया जाता है? सालर का जो पेड़ है मुख्यतः किस उपयोग में लिया जाता है? तो देखिए, सालर का पेड़ जो है लकड़ी की पैकेजिंग देखी होगी, जब बड़ी बड़ी मशीनों का या फिर किसी चीज को पैक किया जाता है, आपने पेटियां देखी होंगी फलों की बड़ी, तो ये सब क्या है, पैकिंग, जो लकड़ी के जो डिब्बे बनते हैं, लकड़ी से बनाते हैं ना पैकिंग के लिए जो डिब्बे, वो सब किससे बनते हैं? वो सालर वृक्ष से बनाए जाते हैं, और ये गोंद का भी बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में बांस के वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? राजस्थान में बांस के वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो कौन से हैं ये? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, कोटा और सिरोही के प्रचुर वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, जहां वर्षा ज्यादा होती है, ऐसी जगह पर बांस के वन पाए जाते हैं। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बारां, कोटा व सिरोही के प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्रों में बांस के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बांस के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? बांस के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? तो कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? देखिए, बांस के वनों में बांस तो पाया ही जाएगा, साथ में धाकड़ा, सागवान, धोकड़ा आदि भी पाए जाते हैं। बांस, साग, धाकड़ा, सागवान, धोकड़ा, ये सभी इसमें पाए जाते हैं बांस के वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांसवाड़ा का नाम किस वनस्पति की अधिकता के कारण नाम रखा गया है? बांसवाड़ा का जो नाम है किस वनस्पति की अधिकता के कारण रखा गया है? तो हम जानते हैं बांसवाड़ा में बांस बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको बांस की अधिकता के कारण इसका बांसवाड़ा नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का कौन सा उप प्रकार सर्वाधिक पाए जाते हैं? राजस्थान में जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है उनमें कौन सा उप प्रकार जो है उसका है, मतलब जब हमने उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को उप वर्गीकृत और किया था, जो उसमें उप प्रकार है वो तो सर्वाधिक कौन सा है? तो देखिए, धौकड़ा के वन जो है राज्य प्रमुख वन संपदा में भी शामिल है, ये है ना, ये का सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, है ना, धौकड़ा के वन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किन जिलों में धौकड़ा के वन पाए जाते हैं? राजस्थान का जो कौन से जिले हैं जिनों में धौकड़ा के वन पाए जाएंगे? तो कोटा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये सभी कैसे हैं, यहाँ पर धौकड़ा के वन पाए जाते हैं। और ये विशेषता क्या है, 240 से 760 मीटर की ऊंचाई पर ये अधिकता में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौकड़ा के वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन से हैं? धौकड़ा के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष मुख्य वृक्ष कौन से हैं? तो धौकड़ा के वनों में धौकड़ा मिलेगा आपको, जिसको हम धौक भी कहते हैं, उसके अलावा अरुंज, खैर, खिरनी, सालर, गोंदल जैसे वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। यहाँ तलहटी क्षेत्र होता है, वहां पे धौकड़ा के साथ पलाश भी देखने को मिल जाता है, और कभी कभार झड़बेर और अड़ूसा भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धौक की लकड़ी का किस प्रकार उपयोग किया जाता है? धौक की जो लकड़ी होती है उसको किस प्रकार उपयोग किया जाता है? तो देखिए, धौक की लकड़ी काफी मजबूत होती है, इसलिए इसको जलाकर कोयला बनाया जाता है। धौक की लकड़ी को कोयला बनाने के उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि ये काफी मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पलाश के वन किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? पलाश के जो वन है वो किस प्रकार के क्षेत्रफल में पाए जाएंगे? तो ये आपके धरातल जब कठोर होता है, पथरीला होता है या कंक्रीट होता है, अपेक्षाकृत कम मिट्टी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर पलाश के वृक्ष पाए जाते हैं। पहाड़ियों के मध्य जो जल पठारी धरातल है उसमें भी सामान्यतः देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलाश के वनों का फैलाव राजस्थान के किन जिलों में है? पलाश के वनों का फैलाव राजस्थान के किन जिलों में है? तो अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में ये देखने को मिलते हैं। अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में पलाश के वनों को देखने को देखा जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में खैर के वन किन जिलों में स्थित हैं? राजस्थान में जो खैर के वन है वो किन जिलों में स्थित हैं? तो राजस्थान के जो खैर के वन है वो झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर में है। और झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़ व सवाई माधोपुर में है। राजस्थान का जो दक्षिणी पठारी भाग है वहां पर ये सामान्यतः देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारा भाग कैसा है? राजस्थान का दक्षिणी पठारी भाग है, झालावाड़, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, यहाँ पर ये खैर के वन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में खैर के वनों में कौन से वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं? राजस्थान में जो खैर के वन है उसमें कौन से वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं? तो बेर, धौकड़ा, अरुंज के जो वृक्ष हैं ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। बेर, धौकड़ा, अरुंज के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं खैर के अतिरिक्त, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बबूल के वन राजस्थान में किन जिलों में पाए जाते हैं? बबूल के वन राजस्थान में किन जिलों में पाए जाते हैं? तो बबूल के वन जो है आपके गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालौर, अलवर, भरतपुर आदि सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। और ये क्या है, विरल वन क्षेत्र होते हैं। विरल वन क्षेत्र का मतलब यहाँ बहुत दूर दूर पर पेड़ देखने को मिलते हैं, और कम नमी वाले भाग जो होते हैं उसमें इनके अलावा भी और वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सामान्य से बहुत ज्यादा कम नमी देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर केवल बबूल ही उग पाते हैं इस स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बबूल के वन में वन के साथ अन्य कौन से वृक्ष मिलते हैं? बबूल के वन में अन्य कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं बबूल के साथ? तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि बबूल के अलावा यहाँ पर कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो जब आप बात करते हैं
बबूल में बबूल का पेट तो मिलेगा ही, लेकिन सामान्य स्थिति में क्या है, नमी बहुत कम होती है तो बबूल अकेला देखने को मिलता है सामान्य तौर पे। लेकिन जब थोड़ी सी भी नमी बढ़ जाती है तो नीम, हिंगोटा, अरुंज, कैर और झड़बेर आदि भी इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कब, जब नमी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो बबूल के वनों में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वृक्ष मिलते हैं तो आपको इन सबके नाम आप ले सकते हैं, लेकिन जब स्पेशली जब ये पूछा जाए कि जहाँ नमी विशेष तौर पे कम हो वहां पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो वहां पर केवल बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं, वहां पर ये वृक्ष नहीं पाए जाते। जब कम नमी से थोड़ा सा इंक्रीज होती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है, तब बबूल के साथ नीम, हिंगोटा, अरुंज, कैर और झड़बेर आदि भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित पर्णपाती वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं। मिश्रित पर्णपाती वन जो है राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो मिश्रित पर्णपाती वन आपके सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारा में देखने को मिलते हैं। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारा में देखने को ये मिलते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। मिश्रित पर्णपाती का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सभी प्रकार के पेड़ पौधे मिश्रित, यहाँ पर्टिकुलर कोई निश्चित एक पेड़ या उसकी अधिकता नहीं होती है इस प्रकार के वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के मिश्रित पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं। तो हम, मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे किसी भी मतलब वृक्ष विशेष का स्थान नहीं है, यानी कहने का अर्थ यह है कि वो ही वृक्ष यहाँ सर्वाधिक मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सभी प्रकार के वृक्ष अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आंवला, शीशम, सालर, तेंदू, अमलतास, रोहन, करंज, गूलर, जामुन, अर्जुन जैसे बहुत और भी प्रकार के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उपोष्ण पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं। राजस्थान में जो उपोष्ण पर्वतीय वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में केवल आबू पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर ये उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, इसके अलावा राजस्थान में नहीं देखने को मिलते। ये काफी सघन होते हैं, सदाबहार और अर्ध सदाबहार वृत्ति के होते हैं, मतलब ये हमेशा हरे रहते हैं, है ना। तो राजस्थान में उपोष्ण पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे, तो केवल आबू पर्वतीय क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उपोष्ण पर्वतीय वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान में उपोष्ण पर्वतीय वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, आम, बांस, नीम, सागवान आदि जो हैं, ये सभी टाइप के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं और ये काफी सघन होते हैं। लेकिन राजस्थान का जो टोटल वन क्षेत्र है उसका आधा प्रतिशत यानी 0.5% भी, उससे भी ये कम क्षेत्र में इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, यानी ये बहुत ही ज्यादा कम क्षेत्र है जहाँ पर इतने सघन वन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आम, बांस, नीम, सागवान जैसे वृक्ष ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, राजस्थान के वनों के जो मैटर है वो होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं इसी वीडियो के सॉरी इसी चैप्टर के इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।